हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे टिप चैनल सर्टेंसी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए पीटी यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के, जो कि आपका एग्जाम लगा हुआ है। एकदम देखिए 100% सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे, एकदम देखिए पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर नहीं आया पूरा का पूरा डिट्टो आपका यहीं से फंसने वाला है, 100% गारंटी है। बाद में कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि मुझे नहीं बताया गया, मुझे नहीं पता चला या मेरी बैक लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिनको पास होना है जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी स्टडी नहीं किया है और एग्ज़ाम टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेस्ट जगह यहाँ पर आए हैं आप और आज के दिन। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले देखिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते ही आते हैं हमेशा। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खराद, ठीक है। लेथ पर कितने प्रकार की जो संक्रियाएं हैं यानी ऑपरेशंस हैं ये की जा सकती है। चूड़ी कर्तन यानी कि जो थ्रेड कटिंग होती है इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए जो लेथ होती है उस पर काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोसेस जो ऑपरेशन है वो किए जाते हैं, जैसे आपका स्ट्रेट टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, पार्टिंग ऑफ हो गया, अंडर कटिंग हो गया, और यहाँ पर स्टेप टर्निंग हो गया, आपका थ्रेड कटिंग हो गया, बोरिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, ठीक है, और विमोचन यानी कि रिलीविंग हो गया, रिलिंग। ये सारे जो प्रोसेस हैं ऑपरेशन से ये किए जाते हैं किस पर, तो ये लेथ मशीन पर, ठीक है, जो लेथ मशीन होती है उस पर। अब चूड़ी कर्तन की जो थ्रेड कटिंग होती है इस प्रोसेस को हमको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर क्या है एमएसएमई से आप यहाँ पर समर ट्रेनिंग किए होंगे तो ये आप आसानी से ईजी वे में समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर चूड़ी कटिंग, यहाँ पर जो टूल्स यहाँ पर लगा दिया जाता है, कौन सा थ्रेड टूल्स, ये जो लगा हुआ है, और यहाँ पर जो वर्क पीस है ये हमारा आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और कैरिज वगैरह, कंपाउंड रिस्ट, आप ये सारा कुछ नेमिंग तो आप नॉमेनक्लेचर जानते ही हैं। और यहाँ पर देखिए ये फिगर आपको डिट्टो बना देना है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपको जो प्रोसेस है इसको भी पढ़ लेना है कि खराद पर क्या है। कटिंग टूल्स द्वारा चूड़ी काटने के लिए आवश्यक है कि स्पिंडल के चक्कर औजार का अनुदैर्ध्य भरण, ठीक है, या उसके द्वारा चली गई दूरी काटी जाने वाली चूड़ी के पिच के बराबर होनी चाहिए। किसके? चूड़ी की पिच के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि स्पिंडल की जो गति होती है ये स्पिंडल की गति कारखंड यानी वर्कपीस पर ही घूमता रहता है, ठीक है, और टूल्स उसके सापेक्ष अच्छी दूरी जो एक्सियल डिस्टेंस होती है इस पर चलता है। इसके आधार पर चूड़ी काटने के लिए औजार की अनुदैर्ध्य चाल और स्पिंडल की गति में कुछ निश्चित अनुपात होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति लीड स्क्रू द्वारा होती है, जो कि खराद स्पिंडल से विभिन्न गियर बॉक्स द्वारा क्या है संबंधित होता है और उसके अनुसार ही गति करता है। लीड स्क्रू ही खराद के वाहन को अनुदैर्ध्य गति प्रदान करती है। याद रखें कि लीड स्क्रू ही क्या करती है, अनुदैर्ध्य गति जो होती है उस यही जनरेट करती है, ठीक है, जिस पर औजार की पिच के बराबर चलना चाहिए, जैसा कि चित्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आप सारा कुछ समझ सकते हैं। तो लीड स्क्रू की घुमाई गति को वाहन की भरण गति में स्प्लिट नट द्वारा बदला जाता है, या ढिबरी वाहन के एप्रन पर लगी होती है और एक लीवर की सहायता से ढिबरी विभक्त ढिबरी को बंद करने में भरण या वाहन गति चालू हो जाती है, ठीक है। किसी भी समय लीवर की सहायता से विभक्त ढिबरों को खोलकर भरण समाप्त किया जा सकता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और 100% गारंटी है कि आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आपका पुट अप होगा और आएगा ही आएगा। देखिए लेथ से आपका कम से कम 15-20 नंबर का लेथ से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से पढ़िए और जो इस चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप अगर आपको टाइम, क्योंकि टाइम भी आपको लिमिटेड है आपके पास भी, तो आपको करना क्या है 1.5x पे आपको या 2x पर आप चलाइए, ठीक है, जल्दी से। इससे क्या होगा जल्दी से जल्दी समय में ये कवर अप हो जाएगा जो भी हम यहाँ पर आपको स्टडी करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये। बट हाँ ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो है खराद पर टेपर खरादन की कौन सी विधियाँ हैं, किसी एक विधि को सचित्र समझाइए। तो देखिए खराद पर जो टेपर किया जाता है वो उसकी वेरियस मेथड्स हैं, जैसे आपका कंपाउंड, जैसे यहाँ पर देखिए 3 मेथड यहाँ पर है। आप फिगर बना दीजिए, फिगर ज़रूर बनाइएगा, देखिए फिगर ही आपका इसमें मार्क्स देगा, पीटी में आपको फिगर ही आपके पूरे मार्क्स देगा, ठीक है, फिगर नहीं बनाएंगे आपके आधे से भी कम नंबर गेन कर वो क्या करेगा देगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो मेथड है कंपाउंड रिस्ट द्वारा पेपर खरादन और टेल स्टॉक ऑफसेट द्वारा पेपर खरादन, टेपर स्लंग द्वारा टेपर खरादन, ठीक है। तो ये सारे 3 मेथड हैं और
ये आप इसमें से किसी एक को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो देखिए लिमिटेड टाइम है, आप हमने मेथड बता दिया, आप देख एक को देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किन्हीं दो प्रकार का चित्र बनाकर ब्रोचो, जो ब्रॉच होती है ना, ब्रॉच, ठीक है, एक मिनट, ब्रॉच, ब्रोचिंग प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसी से ब्रॉच बना हुआ है, ब्रॉच, ब्रोचिंग। तो ये ब्रोचो के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो ब्रॉच यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंदर उत्तरोत्तर कट ब्रॉच है, ये आंतरोत्तर ब्रॉच के प्रमुख अंग इसमें आप देख सकते हैं। जैसे आपका इसका टीथ हो गया, अगर पायलट हो गया, पूर्ण इसकी टोटल लेंथ होगी, पस टेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट पायलट हो गया, परिष्कृत दांत यानी कि जो सरफेस टीथ हैं वो हो गया, अनुप्रस्थ कांटे हो गई, वॉक पीस हो गया, ठीक है, होल्डर हो गया, ये सारा कुछ इसमें क्या है, इसके प्रमुख पार्ट्स हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जल्दी से इसको घोर के पी जाओ, ठीक है, रट्टा मार लो एकदम, जिग एंड फिक्सर के वेरियस एलिमेंट्स को समझाइए। देखिए चाहे ये क्वेश्चन आए जिग और फिक्सर के वेरियस एलिमेंट्स, और चाहे आपका क्या है कि जिग एंड फिक्सर को डिफाइन कीजिए या डिफिनीशन, ठीक है, परिभाषित कीजिए, और इसका उद्देश्य, उद्देश्य में भी हम आपको बताएंगे, इसमें डिफरेंस भी अगर आ जाता है तो भी आप यही क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे जिग, ठीक है, जिग एक ऐसी डिवाइस है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, फिक्सर एंड जिग जो है एक डिवाइस है जिसके कार्यखंड यानी वर्कपीस को सही स्थिति में होल्ड करने, ठीक है, सपोर्ट एंड होल्ड करने का मैनेजमेंट होता है। ये क्या करता है, सपोर्ट एंड होल्ड करता है, ठीक है, वर्कपीस को, और टूल्स को क्रिया के लिए निर्देशित या गाइड भी किया जा सकता है। फिक्सर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें वर्कपीस को पकड़ने, उसकी जांच करने, ठीक है, और मशीनन संक्रिया करने के लिए स्थान निर्धारण या अवस्थापन का प्रबंध होता है, ठीक है। जिग की अगर हम बात करें मेन पार्ट्स की, तो जैसे आपका टेम्पलेट्स हो गया, ठीक है, आपका ड्रिल ब्रूस हो गया, फिक्सर के जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे आपका बेस हो गया, क्लैंप हो गया, रेस्ट ब्लॉक हो गया, और लोकेटिंग एलिमेंट्स हो गए, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, देखिए जी, वो फिक्सर से कोई भी क्वेश्चन चाहे आपको ये कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, होनिंग प्रोसेस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, प्रोसेस आपका पूछेगा। तो होनिंग प्रोसेस में आपको सबसे पहले ये फिगर आपको बना देना है, ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा है, ये स्पिंड, ये देखिए एक मिनट, ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है, और ये हमारा वॉक पीस है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा होनिंग जो आईस्टोन है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस देख लेते हैं कि यह एक अपघर्षण क्रिया है जिससे गोल छिद्रों की आंतरिक सतह कभी और तथा कभी कभी क्या है, बाहरी सरफेस परिष्कृत सतह भी प्राप्त की जा सकती है। इससे क्या है, जो हमारी इंटरनल सर्फेसिस है ये हम बना सकते हैं, ठीक है, छिद्रों की दशा में इसे अंतः तथा बाह सतहों की दशा में बाह होनिंग कहते हैं। याद रखेंगे कब इसको हम इंटरनल होनिंग कहेंगे, छिद्रों की दशा में इसे हम अंतः होनी कहेंगे, और सतहों की दशा में इसे हम बाह होनी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस क्रिया के लिए महीन कणों वाला अपघर्षक पदार्थ छड़ के रूप में बद किया होता है। इस छड़ को पहले से मशीनी सतह पर कुछ दाब देकर तथा घुमाऊ और अनुदैर्य गति से चलाकर होनी क्रिया की जाती है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा होनिंग पत्थर जो है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि घुमाऊ तथा अनुदैर्ध्य गति से चलाकर होनिंग क्रिया की जाती है। इस क्रिया द्वारा 0.1 mm मोटाई का पत्थर पदार्थ जो है काटा जा सकता है। कितने, 0.1 mm, याद रखेंगे, ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है टेक्निकल के लिए। तो यह एक लैपिंग जैसी ही क्रिया है जिसमें धातु लैप के स्थान पर होनिंग पत्थर का यूज किया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, डिफरेंस ड्रिलिंग एंड बोरिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ड्रिलिंग देखिए क्या है, हमारा ड्रिलिंग और बोरिंग में यह मुख्य अंतर यह होता है कि ड्रिलिंग में तो नए छिद्र बनाए जाते हैं, जबकि बोरिंग पहले से बने हुए छिद्र को बड़ा करके उपयुक्त तो साइज का बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट जितनी भी हमें साइज है उतना हम बोरिंग के थ्रू बना लेते हैं, ठीक है। मतलब ड्रिलिंग क्या है, एक नया होल हम बनाते हैं, ठीक है, और बोरिंग जो है उस होल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे, जो हमारा होल होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, बड़ा साइज कर देता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो पहले से होल है। देखिए
खरात पर चूड़ी काटने की प्रक्रिया हमने आपको बता दिया है, बट इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, पहले क्या लेथ मशीन में हमें टूल्स लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या चलाना है, सारा कुछ इसमें मिलेगा। और देखिए ये क्वेश्चंस भाई 100% गारंटी है, 101%, देखिए 1000% आपका, देखिए इस बार क्वेश्चन में ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। और कुछ नहीं, आपका सिर्फ क्या होगा, कोई एक इंडेक्सिंग पूछ लेगा कि इंडेक्सिंग के टाइप्स बताइए, इंडेक्सिंग है क्या, और इसके कोई एक जो टाइप्स है उसको डिस्क्राइब करना है। पूरा नहीं पूछेगा कि जैसे इसमें साधारण है, कंपाउंड है, डिफरेंशियल है, इसमें से कोई एक पूछ लेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, देखिए साधारण इंडेक्सिंग क्या होता है, किसी वृत्ताकार कार्य की परिधि का विभाजन कई बराबर भागों में करने के लिए विभाजक शीर्ष के वर्म तथा वर्म व्हील की गतियों में निश्चित अनुपात होता है, जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है कि क्रैंक के 40 चक्करों से स्पिंडल का एक चक्कर पूरा होता है यदि कार्य की परिधि को एन बराबर भागों में बांटना हो। तो एक भाग के लिए कार्य को उसकी परिधि का 1/n भाग घुमाना पड़ेगा, इसके लिए क्रैंक को 40/n चक्कर घुमाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में या कहें तो इकाई विधि से परिणाम निकाला जा सकता है, जैसे स्पिंडल का एक चक्कर क्रैंक के 40 चक्कर बराबर हो जाएंगे, स्पिंडल का 1/n चक्कर 40/n चक्कर क्रैंक का बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, और ये आप समझ सकते हैं, यही बताया गया है इसमें, ये वाला कंपाउंड विभाजन क्या होता है। तो कंपाउंड विभाजन देखिए जो है, एक मिनट देखिए, कंपाउंड विभाजन जो होगा इसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसी संख्याओं के विभाजन के लिए प्रयोग की जाती है जो साधारण यानी कि सिंपल इंडेक्सिंग जो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया उससे विभाजित नहीं की जा सकती। इसे ऐसी संख्याएं जैसे 63 हो गया, 67 हो गया, आपका 153 हो गया, 153 आदि ऐसी संख्याएँ हैं जो 60 से अधिक हैं और विषम हैं तथा संख्या 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, इसके विषय में विभाजक प्लेट शीर्षक के अंतर्गत भी विवरण दिया जा चुका है। इसी शीर्षक में क्या है, यह भी वर्णित है कि विभाजक प्लेट को पिन से लॉक किया जा सकता है। आप यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, इंडेक्सिंग निम्नलिखित दो खंडों में विभाग की गई है, जैसे आपका साधारण विभाजन की क्रैंक गति हो गया और इंडेक्स प्लेट की जो अतिरिक्त गति है, इन देखिए क्रैंक गति में जोड़कर ये घटाकर ये किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे माना क्रैंक को 20 छिद्रवत पर 5 छिद्रों से यहाँ पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। विभाजक प्लेट को क्रैंक सहित 15 छिद्रवत पर छिद्र से घुमाया जाता है। यहाँ पर देखिए आप इसको देख सकते हैं कि यदि दोनों गतियाँ एक ही दिशा में हों तो पूर्ण विभाजन जो इंडेक्सिंग होगा वो 1/5/20 + 1/15, तो ये टोटल आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, अगर क्या होता है प्लेट को क्रैंक की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ही दिशा में होगा तो हमारा प्लस रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, देखिए यही लिखा हुआ है, इसको डिस्क्राइब करना, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इस विभाजन के लिए सावित्रिक विभाजन जो है शीर्ष की यंत्रावली चित्र में चित्रित है। विभेदी विभाजन में विभाजक प्लेट वर्म शाफ्ट का को स्वतंत्र गति दी जाती है। ठीक है, विभाजक प्लेट को स्वतंत्र गति देने के लिए गियर ट्रेन लगाई जाती है। क्रैंक ऑफ वर्म जो होता है घुमाने से मुख्य स्पिंडल हमारा रोटेट कर मतलब गति कर गति मिलती है। मुख्य स्पिंडल पर लगे गियर द्वारा ट्रेन के माध्यम से यह गति निर्धारित जो अनुपात होता है विभाजक प्लेट तक पहुंचती है। ठीक है, ये आप सारा कुछ इसमें देख लीजिए, जैसे दांतों वाले जैसे 100, यहाँ पर ये इसके क्या है टीथ नंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये प्लेटी गति को कंपाउंड विभाजन में हाथ से दी जाती है। विभेदी विभाजन में जो ऑटोमेटिक मतलब दी जाती है, विभाजन आरंभ करने से पूर्व लॉक पिन हटा दिया जाता है। तो गियर ट्रेन में चालक गियर मुख्य स्पिंडल पर लगाया जाता है और जो ड्रिवन होता है ये हमारा गियर शाफ्ट ए पर लग जाता है। ब्राउन और जो शॉप विभाजक शीर्ष के साथ क्या होता है, निम्नलिखित गियर उपलब्ध होते हैं जैसे आपका ये। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसका यहाँ पर विभाजक इंडेक्सिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर विभाजक, ठीक है, तो डिफरेंशियल यानी कि जो विभेदी है विभाजक, ये यहाँ पर आया है आपका, और एक कोई एक मेथड पूछ लेगा आपका। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक सेपर और स्लॉटर में विभेद कीजिए, इनमें से किसी एक का नामांकित चित्र बनाइए। तो सेपर एंड स्लॉटर तो आपने पढ़ा है, अब इसमें सिर्फ डिफरेंस आपको 5 आपको यहाँ पर लिखना है, आपको 5 marks आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या इसमें क्वेश्चन पुट आउट होगा तो भी आपका 5 marks ही यहाँ पर मिलेगा।
देखिए ये सेपर हमारा एक तरफ स्लॉटर है। सेपर क्या होता है, मुख्य पश्चागत गति यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है टूल्स द्वारा दी जाती है। इसको किसके द्वारा दी जाती है, तो इसको टूल्स द्वारा इसको भी दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए औजार क्षैतिज में पश्चागत गति करता है यानी हॉरिजेंटल, ठीक है हॉरिजेंटल में करता है, इसमें वर्टिकल में गति करता है। कारखंड यानी वर्कपीस और टूल्स दोनों पर भरण दिया जाता है, इसमें क्या किया जाता है ओनली कारखंड पर भरण दिया जाता है। हल्की होती है, छोटी होती है, कम लागत वाली मशीन है, ये अपेक्षाकृत मध्यम लागत वाली मशीन है। ठीक है यहाँ पर देखिए हल्के औजार प्रयोग किए जाते हैं, इसमें मध्यम प्रकार के औजार यूज किए जाते हैं। छोटे कारखंड बांधे जा सकते हैं, इसमें छोटे और मध्यम साइज वाले कारखंड बांध सकते हैं। ठीक है और कट भी इसमें देखा जाए तो हल्के लगाए जाते हैं, इसमें मध्यम कट लगाए जाते हैं और छोटे भी लगाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आप छोटे छोटे पॉइंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, टेपर खरादन बोरिंग रीमिंग एंड पार्टिंग ऑफ नर्लिंग, ये क्या सब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है। ठीक है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट से, यही आपके टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस क्या है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। टेपर खरादन देखिए यह खराद पर की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेलनाकार कारखंडों के व्यास को लगातार क्या करते हैं कम करते हुए शंकुकार यानी कॉनिकल सर्फेस हम बना देते हैं, वो हमारा टेपर खरादन कहलाता है। ठीक है बोरिंग क्या होता है, देखिए यह कारखंडों के भीतरी सतहों के मशीनन के लिए प्रयोग में आने वाली संक्रिया है, इसके द्वारा ढले या फोर्जित अंगों में निर्मित छिद्रों या ड्रिलिंग द्वारा बने छिद्रों को सही आकार और माप का बनाया जाता है। बोरिंग क्रिया से आर पार छेद बंद छेद टेपरी छेद ये बनाए जाते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था अभी ड्रिलिंग और बोरिंग में अंतर, ठीक है तो देखिए ड्रिलिंग हमारा देखिए बोरिंग क्या होता है, ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं कोई एक नया होल बनाते हैं, ठीक है न्यू होल बनाते हैं, और वो हमारा जो बोरिंग है इसमें क्या करते हैं जब हम होल को क्या करते हैं मतलब आर पार देखा जा सके, होल को ऐसा बनाते हैं कि आर पार देखा जा सके तो वो हमारा बोरिंग कहलाता है। ठीक है बोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, रीमिंग तो यह क्रिया ड्रिलिंग और बोरिंग के बाद निर्मित छिद्रों की सूक्ष्म कटाई के लिए की जाती है जिससे उनकी सही सही माप और परिष्कृत प्राप्त हो सके। रीमिंग क्रिया के लिए प्रयुक्त औजार को रीमर कहते हैं, जिन पर अनेक कटाई कोरे जो होती हैं एजेस होती हैं वो नहीं होती हैं, रीमर विभिन्न साइजों में उपलब्ध होते हैं। नर्लिंग क्या होती है, जब हम क्या क्या करते हैं कोई एक ग्रिप देते हैं पकड़ने के लिए, ठीक है नर्नल प्रक्रिया या प्रोसेस कहलाता है। ठीक है कोई एक जैसे आप हैंडपम्प जो चलाते हैं, ठीक है या कोई भी चीज़ है जो क्या है बहुत ही चिकनी है तो उसमें हम ग्रिप दे देंगे तो पकड़ने के लिए क्या होगी वो पकड़ने का एक साधन बन जाएगी, जब ग्रिप दे देंगे ठीक है आसानी से पकड़ सकते हैं तो वो हमारे नर्लन प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जिग एंड फ्रैक्चर को परिभाषित कीजिए, तो जिग में आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आप देखिए जिग एक ऐसी होती है जिसमें क्या करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने सपोर्ट करने का प्रबंध होता है तथा औजार को क्रिया के लिए निर्देशित या गाइड किया जाता है, और कारखंड का पकड़ा जाना औजार का निर्देशित होना इस प्रकार होना चाहिए कि इनकी सही सच्ची सापेक्ष स्थितियां जो हैं प्राप्त हो सकें। ठीक है तो ये आप जिग में लिख सकते हैं। और देखिए इसके पर्पज ही पूछ रहा है उद्देश्य, तो मैंने आपको बताया था अभी आगे बताएंगे आपको इसकी पर्पज। तो देखिए इसको छोड़ दीजिए आप फिक्सर देखिए, ठीक है तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं जिसकी जिग की जो आवश्यकता होती है समांतर ड्रिलिंग रीमिंग और टेपिंग प्रोसेस के लिए की जाती है। फिक्सर जो है ऐसी युक्ति है, ये हमने आपको बता दिया इसको हम दोबारा नहीं बताएंगे, बस ये जान लीजिए कि फिक्सरों में औजार को निर्देशित करने का प्रबंध नहीं होता, यही इसका मेन डिफरेंस है। इसका वर्गीकरण देख सकते हैं, ठीक है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके पर्पज़ क्या है, पाँच पर्पज़ लिख दीजिए बहुत है आपका। इसमें क्या होता है उत्पादन दर में वृद्धि होती है, कारखंड की हस्तांतरण यानी हैंडलिंग क्रिया कम हो जाती, समय कम लगता है, ठीक है होल्ड एंड सपोर्ट करने का जो वर्कपीस को होल्ड एंड सपोर्ट करने की जो स्थिति है सुनिश्चित हो जाती है, कटिंग टूल्स को कारखंड के वांछित स्थान पर निर्देशित किया जाता है, जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं इस कारखंड को पकड़ने जिन्हें अन्य साधनों द्वारा सुविधापूर्वक ना पकड़ा जा सके ये हम कर सकते हैं इसमें, और देखिए अनेक कारखंडों को एक साथ हम पकड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप लिख दीजिएगा, तो ये आपका इसमें इसके पर्पज है। मशीनन की जो उच्च यथार्थता यानी हाई एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस है ये प्रदान करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के ब्रोचों के नाम दीजिए तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध कीजिए। तो ब्रोच हमने आपको बता दिया, पार्ट्स बता दिया, तो ब्रोच जो है कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका कई आधार पर, ब्रोचन की विधि के आधार पर, उपक्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर।
तो ये कई टाइप्स की होती हैं। अब देखिए विधि के आधार पर ये हमारा पुल होता है, पुश होता है, और अगर प्रक्रम यानी प्रोसेस के आधार पर इंटरनल एक्सटर्नल होता है, और संरचना के यानी स्ट्रक्चर के आधार पर सॉलिड होता है, बिल्टअप होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रयोजन के आधार पर तो होल साइजिंग हो गया, स्प्लाइन हो गया, सरफेस ब्रॉच हो गया, ये सारे कुछ इसके ब्रॉच विधि हैं, ठीक है। मतलब आधार पर ये अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। यहाँ पर देखिए उपयोग और लाभ, तो ब्रोचन जो है हमारा एक द्रुत क्रिया है, अन्य मशीनों की तुलना में इसकी उत्पादन दर अधिक होती है। ब्रोचन क्रियाओं में अपेक्षाकृत कम दक्षता यानी स्किल की आवश्यकता होती है, यानी कम कोई ज़्यादा सीखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो भी वो कर सकता है ब्रोचन क्रिया। ब्रोचन औजार और वर्कपीस को ब्रोचन मशीन पर सेट कर लेने के बाद मशीन की पर जो क्रिया करना सरल हो जाता है, ठीक है। ब्रोचन औजार को क्रिया के अंतर्गत बार बार गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक केंद्र यानी कि जो सेंटर लेथ होता है, इसका स्वच्छ चित्र बनाना है, मुख्य अंगों को नामांकित करना है। तो ये यहाँ पर आप बना दीजिएगा, ठीक है, कि ये हमारा हेड स्टॉक होता है, ये टेल स्टॉक होता है, कैरिज होता है, कंपाउंड स्लाइड होता है, और ये हमारा लेग होता है दोनों, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, बेड होता है, एप्रन होता है, ये सारा कुछ आप लिख देंगे। लेथ एसेसरीज की बात करें तो जैसे आपका लेथ सेंटर्स हो गया, कैरियर एंड ड्राइविंग प्लेट हो गया, चेक कॉलेट्स हो गया, आपका फेस प्लेट हो गया, ठीक है, एंडविल आपका जो मैंड्रिल वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए रेस्ट हो गया, मैंड्रिल हो गया, एंगल प्लेट्स हो गया, ये सारा कुछ इसे है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसको देख लीजिएगा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर एंड थ्रेड लेथ में डिफरेंस, तो इसको हम बाद में बताएंगे आपको पॉइंट वाइज, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बोरिंग यानी कि परिवेदन मशीन के रचनात्मक लक्षण जो है, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ईजी है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोरिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन, तो बोरिंग मशीन और ब्रोचिंग मशीन में क्या डिफरेंस है। देखिए जो बोरिंग मशीन होती है इसमें सिंगल पॉइंट टूल्स का यूज किया जाता है, इसमें मल्टी पॉइंट टूल्स कटिंग टूल्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो कटिंग टूल्स होता है वो सर्कुलर एंड जो रोटरी मोशन करती है। इसमें क्या होता है, जो टूल्स होता है, जो कटिंग टूल्स होता है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसमें कारखंड यानी वर्कपीस में केवल वृत्ताकार छिद्र हो किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये अनियमित यानी कि इनरेगुलर शेप के होल किए जाते हैं, जैसे कुंजी मार्ग हो गया, स्पाइन हो गया, आपका चपटी सतह हो गया, ये सब किया जाता है। बोरिंग बार द्वारा निरंतर वृत्ति गति करते हुए धातु की कटाई होती है, इसमें अग्र और पश्च धातु में कटाई होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, देखिए बहुत ही ईजी है सब कुछ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए खराद मशीन के विभिन्न पुर्जों की सूची बनाइए, इसके हेड स्टॉक टेल स्टॉक का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए आपका विभिन्न पुर्जों जो अगर बात करें तो लेग आपका हेड स्टॉक हो गया, लेग हो गया, कैरिज हो गया, और क्रॉस स्लाइड हो गया, यहाँ पर टूल पोस्ट क्लैंप हो गया, स्पिंडल हो गया, गियर होगा, अचल केंद्र जो हो गया, ठीक है, पुली हो गया, फेस प्लेट हो गया, टूल मैंड्रिल हो गया, चल केंद्र हो गया, सेडल हो गया, बेड हो गया, टेल स्टॉक हो गया, ठीक है, तेल लिखा हुआ टेल स्टॉक है। यहाँ पर फिगर बना देंगे एंड यहाँ पर ये आप इसको बना देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर्स के नाम बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाँच नंबर में इससे पहले भी आया था, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन भी है जो आपका आएगा, ये देखिए किसी एक स्वच्छ का मतलब चित्र बनाना है स्वच्छ, तो कट यहाँ पर आप टाइप्स देख लीजिए, जैसे सॉलिड कटर हो गया, टिप्ड कटर हो गया, और यहाँ पर इंसर्टेड टीथ कटर हो गया। तो ये क्या है, रचनात्मक लक्षणों के आधार पर है, और ये दांतों के रिलीव के आधार पर, प्रोफाइल रिलीव्ड हो गया, फॉर्म रिलीव्ड हो गया, ठीक है, फॉर्म रिलीव्ड, और अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ माउंटिंग द कटर अगर बात करें तो आर्बर हो गया, सैंक टाइप हो गया, फेसिंग टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड जो यहाँ पर फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ कटर, यानी कि रोटेटिंग के दिशा के आधार पर, तो राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फाइव का जो बेसिस पर है, तो पैरेलल राइट लेफ्ट एंड अल्टरनेट हेलिकल टीथ, एंड लास्ट जो बेसिस है वो है आपका स्टैंडर्ड एंड स्पेशल मिलिंग कटर। तो देखिए इनको किसी एक का आपको बना देना, जैसे प्लेन या सिंपल मिलिंग कटर जो है, ठीक है, सरल, तो ये आप यहाँ पर बना लेंगे सीधा दांत प्लेन मिलिंग कटर, और ये हेलिकल, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको, तो आई आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए एक प्रकार से क्या है, पूरा गियर टाइप का है कटर, इसको आप बना देंगे। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपको देकर जाएगा,
100% 5 नंबर ए बी, और इससे पहले भी आया था अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, यानी कह दे कि मिलिंग क्या है, मिलिंग प्रोसेस और अप मिलिंग डाउन मिलिंग में अंतर, या अप मिलिंग डाउन मिलिंग को बताइए। तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक ही है अप मिलिंग में जो वर्कपीस होता है इसका, ठीक है। अप मिलिंग में वर्कपीस का भरण, ठीक है, कटर की घुमाव दिशा के विरुद्ध होता, अपोजिट होता है, बस इतना ही अंतर आपको दिखना है। अभी हम चित्र में दिखाएंगे आपको। कन्वेंशनल मिलिंग भी इसे कहते हैं, और यह विधि सामान्यतः बेलनाकार मिलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। अधिकतर मिलिंग क्रियाओं में ही यही विधि अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें गहरे कट लगाए जा सकते हैं। डाउन मिलिंग क्या होता है, ये एक ही दिशा में होंगी, कटर की एक ही दिशा में होंगी, यही आपका डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। जो वर्कपीस के भरण की दिशा जो होगी, उस कटर की दिशा घुमाव की दिशा के अपोजिट, सॉरी एक ही दिशा में होगी, ठीक है। और क्लाइंबिंग मिलिंग भी इसीलिए इसे कहते हैं क्योंकि एक ही दिशा में होगी तो कटर क्या करेगा, चढ़ेगा, क्योंकि इसमें कारखंड कटर पर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे इस विधि यह सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती, इसके लिए मिलिंग मशीन विशेष रूप से निर्मित की जाती है, जिसके स्पिंडल में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं होना चाहिए। ढीलापन होने से कारखंड यानी वर्कपीस में कटर को अपने साथ खींच ले जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और कटाई संभव नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं फिगर अप मिलिंग, एक मिनट, ये आपको अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। अप मिलिंग में क्या है, देखिए ये चढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। डाउन मिलिंग में, अप मिलिंग में क्या है, अपोजिट देखिए चल रहा है, तभी ये क्या है, चिप्स यहाँ पर कॉन्टीन्यूस चिप्स ये निकलेंगी, ठीक है। इसमें ये तो चढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखिए इस टाइप से, ठीक है, एक ही दिशा में क्योंकि चल रही है, ये देखिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तभी तो चिप्स यहाँ पर निकालेगी, ठीक है, जनरेट करेगी। अब हम टरेट एंड कैपेसिटन लेट जो उसको भी देख लेते हैं आखिर डिफरेंस। पर देखिए ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि सेंट्रल लेथ क्या होता है, कैपेसिटन लेथ, इन दोनों में डिफरेंस ये क्या है, मैन्युअली ऑपरेट होता है, ठीक है, ये हमारा सेमी ऑटोमेटिक होता है, ये हमारा इसमें टेलीस्टॉक, इट हैज़ टेलीस्टॉक, ये हमारा इट हैज़ टरेट हेड इंस्टीड ऑफ टेलीस्टॉक, ठीक है। और यहाँ पर टूल जो होगा, ईच इट हैज़ ओनली वन टूल पोस्ट टूल चेंजिंग टाइम, जब टूल चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, वन टूल का यूज किया जाता है। इसमें फ्रंट एंड रियल टूल पोस्ट और अवेलेबल टूल चेंजिंग टाइम लेस, कम समय में इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्पीड जो होगी वो कम होगी, नंबर स्पीड जो होगी ज़्यादा होगी, टूल चेंजिंग टाइम इज मोर, समय ज़्यादा लगेगा टूल चेंज करने के लिए, कम लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी बता रहे, लिमिटेड टाइम है इसलिए। यहाँ पर देखिए इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं, जल्दी जल्दी किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, मास प्रोडक्शन ये होता है, ठीक है। जिस मास प्रोडक्शन देखिए क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करते हैं तो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ये मास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये सारा कुछ आप पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ड्रिलिंग जैसे हो गया और आपका बोरिंग हो गया, ठीक है, जैसे हमने शॉर्ट में बताया था, यहाँ पर लॉन्ग में आ गया है, ब्रोचिंग क्या होता है, तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया है, चाहे तो आप इसको भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज योर विश, आप इसे भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म्स में आप लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आपको, मतलब ठीक ठाक नंबर आपको मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जल्दी से पूरा का पूरा देखिए। आपको एक ही वीडियो देखना, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किताब कहाँ पे सब छोड़ दीजिए, बस आपको ये वीडियो जरूर देख लेना है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। वॉचिंग दिस वीडियो लिंक।